ये एक नवल रविकांत करके आई एम श्योर एक बिग इन्फ्लुएंसर एंड पी फंड मैनेज वगैरह करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं राइट इन यू एस हिज वेरियस ही हैज़ रिटन फ्यू बुक्स ऑल्सो इन दैरी वेरी वेरी फेमस एंड ही इज़ अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंसर ऑन एक्स एज वेल एज ऑन वेरियस अदर चैनल्स तो उनकी कुछ कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब वे ही स्पीक्स एंड वे ही पुट्स हिज वर्ड आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मुझे बहुत पसंद आता है तो यहाँ पर एक मेरे को चार्ट मिला गया ये मैंने नहीं बनाया तो समवन कहीं मेरे को ट्विटर पे मिला तो ही दिस इज बाय नवल रविकांत एंड दिस इज द हाउ टू गेट रिच बेसिकली विदाउट गेटिंग लकी ठीक है लक हटा दें अगर तो कैसा पैसा बनाए तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं तो और कुछ कुछ चीज़ें काफी जनरिक हैं तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली ये सब बोलते ही हैं कि वेल्थ को सीख करो मनी को और स्टेटस को सीख मत करो तो स्टेटस के चक्कर में हम अपना पैसा ज्यादा खोते हैं स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में हम पैसा बहुत खराब करते हैं राइट दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए ठीक है स्टेटस के ऊपर नहीं है मनी के ऊपर फोकस मत करो वेल्थ के ऊपर फोकस करो मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस विद गुड मनी इज वॉट इट इज ऑल अबाउट राइट इक्विटी ये बहुत सही चीज है इनकी यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम राइट अगर आप ऐसे कुछ जॉब में हो जो आपको लगता है कि मैं काम करता हूँ पैसे मिलते हैं काम करता हूँ पैसे मिलते हैं राइट right? तो आप बहुत रिच नहीं हो सकते हो यू मस्ट ओन इक्विटी अ पीस ऑफ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम अब वो इक्विटी आप इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं या अपना बिजनेस खोल के भी कर सकते हैं राइट बट यू शुड ओन राइट तो वही है काफ़ी मतलब जैसे फौरन बफे भी कहते हैं ना कि भाई वी शुड ओन बिजनेस बिकॉज जो हमारे पास पैसा जो है वो रात को वैन वी आर स्लीपिंग देन ऑल्सो वी शुड अर्न मनी राइट तो दैट इज वॉट इट इज ये बहुत अगेन टैक्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग इनका पॉइंट लगता है मुझे कि प्ले आइटरेटेड गेम्स ऑल द रिटर्न इन लाइफ वेदर इन वेल्थ रिलेशनशिप्स और नॉलेज कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट और यह मैं काफी बार मैं भी बोलता हूँ ये बात ठीक है कि हर चीज कंपाउंड इंटरेस्ट है जैसे जैसे आप लर्निंग कर रहे हो नई नई चीजें सीख रहे हो आप सीखते जा रहे हो सीखते जा रहे हो सीखते जा रहे हो सीखते जा रहे हो, 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 हो तो उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट है राइट right? तो उन्होंने ये भी बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स हाईली इंटेलिजेंट एनर्जी एंड अबव ऑल इंटीग्रिटी डोंट पार्टनर विद सिनिक्स एंड पेसिमिस्ट राइट क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट नेगेटिव भी बन सकता है तो इसलिए लर्न करते रहो एक चीज़ को और उसमें अगर लगातार वो करते रहोगे तो कंपाउंडिंग आएगी आपकी नॉलेज में भी वेल्थ में भी अगेन स्पेसिफिक नॉलेज इज वेरी वेरी गुड पॉइंट ये थोड़ा फोकस करके सुनना आप कि आर्म योर सेल्फ विथ स्पेसिफिक नॉलेज अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर जिसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हो सकती वो है स्पेसिफिक नॉलेज अगर सोसाइटी कैन ट्रेन यू इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू राइट ये बहुत जबरदस्त चीज है कि कोई भी चीज अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो तो आप रिप्लेसमेंट लो आपको लगता है कि यार ये मैंने ट्रेनिंग ली अब मैं ये कर रहा हूं तो नहीं आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज लेनी पड़ेगी राइट right? जो सिर्फ आपके पास है या आपके एक्सपीरियंस की वजह से या आपने कुछ क्रिएट करा है या कुछ इस तरह से राइट right? तो बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज विल फील लाइक प्ले टू यू बट विल लुक लाइक वर्क टू अदर्स राइट कि आपके लिए बहुत ईजी होगा वो बट ठीक uh, है स्पेसिफिक नॉलेज इज ऑफन हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव इट कैन नॉट बी आउटसोर्स ऑटोमेटेड तो अगेन राइट right? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ऑटोमेशन के ज़माने में स्पेसिफिक नॉलेज बहुत जरूरी है अभी कैसे आए ये इतना आसान नहीं है राइट बट इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट सोचना चाहिए सबको कि यार एक स्पेसिफिक नॉलेज है क्या मेरे पास एक कुछ अकाउंटेबिलिटी राइट एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी राइट टेक बिजनेस रिस्क अंडर योर ओन नेम सोसाइटी विल रिवॉर्ड विद यू रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी एंड लेवरेज राइट अपने नाम पर करो चीजें ठीक है थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है टेंशन भी आ सकती है स्पेशली जो एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड्स हैं उनको थोड़ा बहुत टेंशन आता है बट राइट ही मोस्ट अकाउंटेबल पीपल हैव सिंगुलर पब्लिक एंड रिस्की ब्रांड्स ओपरा ट्रम्प कैनिया एंड अलॉन स्किल्स दे इज नो स्किल्ड कॉल बिजनेस अवॉइड मैगजीन एंड बिजनेस क्लासेस स्टडी माइक्रो इकनॉमिक्स गेम थियरी साइकोलॉजी पर्जुएशन एथिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स रीडिंग इज फास्टर दैन लिसनिंग डूंग इट डूइंग इज फास्टर देन वॉचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है ये मेरे को बहुत जबरदस्त पॉइंट लगता है राइट यू राइट तो अनकलटेड कैल मतलब आपको यू शुड बी टू बिजी टू डू कॉफी राइट मतलब ये टाइम पास करने से के लिए आप बिजी रहना चाहिए बट स्टिल कीप एन अनकलटेड कैलेंडर सेट एन एनफोर्स एन एस्पिरेशनल पर्सनल आरली रेट इफ फिक्सिंग प्रॉब्लम विल सेव लेस देन योर आरली रेट इग्नोर इट राइट तो अगर एक प्रॉब्लम फिक्स हो रही है और इसमें आप आर्ली रेट राइट अगर उसमें विल सेव लेस देन योर आर्ली रेट इग्नोर इट राइट एक अपना आर्ली रेट फिक्स कर लो कि इतना पैसा मेरा एक घंटे का वैल्यू है ठीक है उसके हिसाब से काम करो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये अगेन कि मेरा एक घंटे की वैल्यू है सपोज मेरी एक घंटे की सब कुछ भी टू थाउजेंड रुपीज़ की वैल्यू है ठीक है और अब आपको समझ आ जाएगा कि यार ये घंटा मैं वेस्ट कर रहा हूँ इसमें मैं टू थाउजेंड रुपीज सेव किए क्या ठीक है तो अगेन ऑटोमेटिकली दिमाग वर्क विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट तो uh, अगर वो इफ आउटसोर्सिंग अ टास्क विल कॉस्ट लेस देन योर यू आरलीट आउटोर्सिस राइट वर्क एज हार्ड एज यू कैन इवन दो यू हु यू वर्क विद वट यू वर्क ऑन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ हार्ड यू वर्क बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ वट यू डू राइट तो वो तो थो थोड़ा ज्ञान है बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट पार्टिंग वर्क ये बहुत अगे लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देआर नो गेट रिच क्विक स्कीम्स ये मैं बहुत बार मैं काफ़ी बार परिवार डिस्कशन करते हैं कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है दैट्स जस्ट समवन एल्स गेटिंग रिच ऑफ यू राइट एनी अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज विद लेवरेज एंड इवेंचुअली यू विल गेट वट यू डिजर्व